स्टूडेंट्स, असी पढ़ रहे सी पाठ 12 मंगल ग्रह तक पहुँच। कल असी इसका कुछ भाग पढ़िया सी ते मंगल ग्रह बारे जानकारी प्राप्त कीती सी ते धरती ते मंगल ग्रह विचाले अंतर बारे जानिया सी। अज असी इस तों अगे पढ़ांगे। चंद्रमा उपर पैर तरन तो बाद मनुख ने मंगल ग्रह नूं फरोलन दा फैसला कीता। इस उद्देश नाल मंगल ग्रह उपर कई मिशन भेजे गए। एक मिशन अपने आप विच एक पूरा कार्ज हुंदा है जिस विच कई तरह के यंत्र उपकरण तकनालोजी मिल के काम करते हैं। इन्हां दी निगरानी अते संचालन कई विज्ञानी अते इंजीनियर मिल के एक टीम वांग करते हैं। पुलाड़ी निजमां ते जानकारियां दी घाट अते पुलाड़ विच लगातार होण वालियां तब्दीलियां कारण मनुखी जतना नूं सफलता घट पर असफलता वध मिलदी है। सिट्टे वजों हुण तक कई मिशन असफल होए। मंगल ग्रह बारे मुढ़ली जानकारी इकट्ठी करन दा काम सब तो पहला रूसी विज्ञानियों ने शुरू किया, पर अजकल मुख तौर पर यह काम अमरीकन पुलाड़ एजेंसी नासा कर रही है। उन्होंने मंगल ग्रह के असमान विच अपना पहला खोजी उपग्रह मैरीनर 9 1971 विच स्थापित करने विच सफलता हासिल कीती। अगले कुछ दहाके इस खेतर विच भावें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहे, पर फिर भी मनुख ने मंगल ग्रह का पिछा नहीं छड्डिया। 2001 विच मारस ओडिसी नाम का खोजी पुलाड़ यान मंगल ग्रह के पुलाड़ पंध विच स्थापित करने विच सफलता हासिल कर ली गई। इस दा काम मंगल के धरातल की निगरानी करन दे नाल मंगल ग्रह उपर पानी की मौजूदगी बारे पता लगाना ते वातावरण विच मौजूद गैसां बारे जानकारियां हासिल करना सी। 2003 विच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने मंगल ग्रह उपर अपने लैंडर बीगल 2 नूं उतारन की कोशिश की, जिस विच सफलता ना मिल सकी। पर 2004 विच मंगल ग्रह उपर दो खोजी रोवर स्पिरिट अते ऑपरचुनिटी मंगल ग्रह दे धरातल दी जांच पड़ताल करन दे उद्देश नाल नासा वल्लों सफलतापूर्वक उतारे गए। इन्हां दे खोजी यंत्रां ने 2010 तक मंगल ग्रह बारे बहुमुल्ली जानकारी भेजी, पर 2010 विच इन्हां चों एक रोवर स्पिरिट ने अचानक काम करना बंद कर दिता। 2006 विच भेजे गए खोजी पुलाड़ यान जो मारस रैकेसा ऑर्बिटर दे मिशन दा हिस्सा सन ने जानकारियां इकट्ठियां करन दा सिलसिला जारी रख्या। अपने खोजी सुभा कारण विज्ञान ने हुण तक जान लिया कि मंगल ग्रह उपर किस समय पानी तरल रूप विच मौजूद सी, कि पहला इत्थे पानी सी जो हुण नहीं है। इस ग्रह बारे विज्ञानियों ने हुण तक इन्नी जानकारी हासिल कर ली सी कि मंगल ग्रह नूं बकायदा पुलाड़ दी खोज दा अंग बना के मंगल ग्रह उपर जिंदगी दी कोई संभावना खोजी जा सके। इस उद्देश नाल ही मारस साइंस लैबोरेटरी मिशन 26 नवंबर 2011 नूं पुलाड़ विच मंगल दे राह पाया गया। इस मिशन दा काम एक अति आधुनिक रोवर क्यूरियोसिटी नूं मंगल दी सतह उपर उतारना ते उसकी मदद नाल हासिल कीते गए मंगल ग्रह दी मिट्टी ते चट्टानां दे नमूनियां दी विज्ञानिक परख करना सी। इस रोवर ने अगस्त 2012 तो काम करना शुरू कर दिता। इस विच लेजर कैमिकल सैंपलर की मदद नाल चट्टाना की परख करना सी, जो 7 मीटर की दूरी तो ही चट्टाना का विश्लेषण कर लेंदा सी। इधर मंगल ग्रह की खोजबीन विच भारतीय विज्ञानी भी किसी नालों पिछे नहीं रहे। इसरो नां की भारतीय पुलाड़ खोज संस्था ने 24 सितंबर 2014 नूं मंगल ग्रह के असमान तक पहुँच के अपना वक्रा खोजी पुलाड़ यान
मारस ओरबिटर मिशन मंगलयान मंगल दे पुलाड़ पंद विच स्थापित किया। इस वड्डी सफलता नाल भारत दुनिया में चौथा अजिहा देश बन के उभरिया जिसने अपनी विज्ञानिक स्वै निर्भरता का सबूत दे के दुनिया नू हैरान कर दिता। भारत ने मंगल ग्रह लिए अपने मिशन की रवानगी 5 नवंबर 2013 नू कीती सी। उस वेले कोई नहीं जानता सी कि भारत का यह प्रयोग पहली बार विच ही सफलता दे शिखर नू जा छूहेगा। इसरो दे मुखी श्री के राधा कृष्णन ने इस सफलता नू भारतीय विज्ञान जगत अते प्रणाली दी वड्डी प्राप्ति दस्या है। दुनिया दे दूजे देशां दे मुकाबले भारत ने सब तो घट खर्च विच इस मिशन च सफलता हासिल कीती। विज्ञान दीआं इन्हां सफलतावां ते प्राप्तियां ने मनुख अंदर धरती तो बाद किसी होर ग्रह उपर अपनियां बस्तियां स्थापित करन दी उम्मीद जगाई है ते हुण उस ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਜਾਨ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ।